वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप थ्री न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो है ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर। उन्होंने अपना एक हाल में ही हाई एंड कह सकते हैं और एक अफोर्डेबल लिथियम बैटरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है प्रेज प्रो। पहले हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने आई प्रेस रखा था, जिसका प्राइस तकरीबन 1.25 लाख के आसपास जा रहा था। स्टिल ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, इसका भी बात करते हैं पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की, लास्ट में प्राइस भी बात करेंगे कितना फर्क है उसके मुकाबले में, क्या कुछ एट कंपैरिजन मिल रहा है। शुरू करते हैं लिथियम आयन बैटरी, जो कि डिटैचेबल ऑप्शन के साथ रहेगी। आपको 2 2 किलोवाट आवर का लिथियम बैटरी पैक रहेगा, 72 वोल्ट का यहाँ पावर आपको मिलेगी। साथ में चार्जर की बात करें, अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी छोटी है आई प्रेस के मुकाबले। चार्जर की बात करें तो यहाँ पर 84 वोल्ट 10 एम्पीयर का माइक्रो चार्जर रहेगा, विद ऑटो कट की ऑप्शन भी आपको मिलेगी। चार्जिंग टाइम 3 आवर्स है, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक अदर स्कूटर काफी स्कूटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। मोटर भी आपको थोड़ा कैपेसिटी कम है, 1000 वाट की BLDC यानी कि वाटर प्रूफ मोटर आपको यहाँ मिलने वाली, जो कि मैक्सिमम 2500 वाट की पावर जनरेट करेगी। यह आपको दो मोड मिलेंगे, इको एंड स्पोर्ट्स, जहां इको मोड में टॉप स्पीड आपको 30 टू 35 रहेगी, बट वहां पर रेंज ज्यादा है, 110 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज। सेकंड मोड है स्पोर्ट्स, जहां पर आपको टॉप स्पीड 50 टू 60 किलोमीटर रहेगी, लेकिन यहां रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, 90 किलोमीटर की रेंज रहेगी। अगर आप मतलब सीधी बात है, यहां पर बैटरी थोड़ी छोटी है, मोटर थोड़ा छोटा साइज की आपको दी गई है, उसके मुकाबले अगर आप रेंज भी ठीक है 110 की, बट वहां पर आपकी थोड़ी कैपिंग रहेगी स्पीड की। अगर आप स्पीड ज्यादा रखते हो तो वहां पर आपको मैक्सिमम रेंज जो आपको मिलने वाली है वो की 90 किलोमीटर, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है जो इसका प्राइस निकल कर आ रहा है। प्राइस की बात लास्ट में करते हैं, फीचर्स की पहले बात कर लें। यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm मिल रही है, जो कि अच्छी है। लोडिंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम, ये भी ठीक है। आपका टोटली बैक फ्रंट एंड बैक लाइट LED विद DRL रहेगा, 3 साल की आपको वारंटी मिलेगी बैटरी पैक पर। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग विथ एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री, फाइंड माई स्कूटर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स गियर, ये सब ऑप्शन भी आपको मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, एक फुल पैकेज है, लेकिन साथ में एक अफोर्डेबल प्राइस है। अफोर्डेबल प्राइस दोस्तों क्या है, तकरीबन 50,000 कम है आई प्रेस के मुकाबले, यानी कि 72,000। वैसे इसका एक्सटर्नल प्राइस है 71,990, यानी कि हम 72,000 भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बाकी सब ठीक है, बस यहाँ मुझे स्पीड टॉप स्पीड का थोड़ा है कि आपको मैक्सिमम 50-60 कंपनी कह रही, तो मतलब 50 तक ही मुझे लगता है मिलेगी यहाँ पर। अगर अच्छा होता कि एक टर्बो मोड भी आपको दिया जाता कि ओवरटेक वगैरह में हमें आसानी रहती, फिलहाल वो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो ये था आज का पहला अपडेट। सेकेंड अपडेट है टेस्ला से, बिल्कुल टेस्ला ने कंफर्म किया है कि जो अपकमिंग सुपर कार रहेगी रोडस्टर, उसमें सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर टेस्ला ने मैक्सवेल को अक्वायर किया था, इसमें इसके पास दो स्पेसिफिकेशन थी, दो अच्छी टेक्नोलॉजी थी। फर्स्ट है ड्राई इलेक्ट्रोड बैटरी सेल और दूसरा सुपर कैपेसिटर, तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा रोडस्टर में। ड्राई सेल का दोस्तों, ड्राई इलेक्ट्रोड का फायदा यह है कि वो फायर प्रूफ हो जाता है सिस्टम, उससे काफी कम हो जाते हैं चांसेस फायर के। पिछले कुछ समय से काफी इंसिडेंट फायर के टेस्ला के आए हैं, जो कि उसकी रेपुटेशन को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी यूज करके एक तो उसका फायर प्रूफ उनका जो पैटर्न है वो बढ़िया हो जाएगा। सेकंड, सुपर कैपेसिटर्स का दोस्तों फायदा, जो प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये होता है कि वो चार्ज एंड डिस्चार्ज बहुत जल्दी होते हैं। अब क्योंकि रोडस्टर एक सुपर कार है, उसकी एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, 0 to 100 इन जस्ट 1.9 सेकंड, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक दोस्तों फिगर है। तो इसके लिए बिल्कुल इंस्टेंट जब उसको पुश करेंगे एक्सीलरेटर, तो ऐसे में इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जो कि बैटरीज उस तरह से नहीं दे पाती हैं। बैटरीज एकदम से, जैसे मैं बताया कि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसकी स्लो रहती है सुपर कैपेसिटर के मुकाबले। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, दोनों को टेक्नोलॉजी इकट्ठा इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आगे सुपर कैपेसिटर रहेगा, मीन जब एक्सीलरेशन एकदम इंस्टेंट पावर की जरूरत है तो वो पावर सुपर कैपेसिटर से ली जाएगी। मीनवाइल सुपर कैपेसिटर बैटरीज से अपने आप को स्लोली रिचार्ज करता रहेगा। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करने से जो परफॉर्मेंस एंड रेंज दोनों में ही इंप्रूव होगी, जो कि सबसे पहले रोडस्टर में इसको ट्राई किया जाएगा। कंफर्म है कि रोडस्टर कम्स विद सुपर कैपेसिटर्स, तो उस कंपनी का नाम था मैक्सवेल, जो कि टेस्ला ने लास्ट ईयर अक्वायर किया था। नॉट ओनली टेस्ला, अदर कंपनीज भी इन पर काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल जो मैन्युफैक्चरर्स है
वो सुपर कैपेसिटर को एज ए बैटरी रिप्लेसमेंट या और नई कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रिफिन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स आ रहे हैं जिससे कि उसकी जो डेंसिटी है वो एट पार आ गई है लिथियम आयन बैटरीज के, मींस अब उसको फुली एज ए फुली रिप्लेसमेंट भी उसको आने वाले समय मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको रिप्लेस किया जाएगा। कोई नया ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। यह तीसरा और लास्ट अपडेट है, एक रिसर्च हुई है लिथियम मेटल बैटरीज पर। ये रिसर्च हुई है दोस्तों स्टैंड फोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, जहां पर लिथियम मेटल बैटरीज को सक्सेसफुली तैयार कर लिया गया है। ये काफी ज्यादा डेंस है लिथियम बैटरी के मुकाबले, मींस जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी, लाइट वेट रहेगा, उतनी ज्यादा रेंज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए रहेगी। तकरीबन 33% ज्यादा डेंसिटी रहेगी, मींस 33% ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, पावर पर पाउंड स्टोर किया जाएगा, लाइट भी रहेगी क्योंकि जो उसका एनोड है मेड फ्रॉम लिथियम, जिससे कि उसका ओवरऑल वेट कम होगा। पहले ग्रेफाइट मटेरियल से एनोड को बनाया जाता बट अब लिथियम से ही बनाया जाएगा, मींस इसका वेट और ज्यादा लाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल मोर डेंसिटी पर पाउंड मींस मोर रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसको बिल्कुल जैसे बताया कि ऑलरेडी एक लेबोरेटरी में तो इसको सारी टेस्टिंग वगैरह कर ली गई है, बट इसके भी ऑन रोड टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद कमर्शियल होते होते इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टेंट ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। मुझे लगता है कि 2021 या 2022 स्टार्टिंग तक ये मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, बट ये बहुत काम किया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा आपके साथ शुरू करूंगा सबसे पहले। दोस्तों ये थे आज के 3 अपडेट, धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।